चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे वाराणसी से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी, यह बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से हमें मिल रही है। सर्वे रिपोर्ट पेश करने में देरी होगी, आज अभी 50% ही रिपोर्ट तैयार हो सकी है, यह कहना है कोर्ट कमिश्नर का। कोर्ट में अर्जी देकर 2 से 3 दिन के समय की मांग करेंगे कोर्ट कमिश्नर, बड़ी खबर। आज ही की तारीख थी, आज ही पेश होना था, आज की तारीख खत्म होने से पहले रिपोर्ट को पेश करना था, ऐसा कोर्ट का आदेश था, लेकिन 50% ही रिपोर्ट तैयार हो सकी है, ये कोर्ट कमिश्नर कह रहे हैं। और इसीलिए वो अर्जी देकर 2 से 3 दिनों की मांग करेंगे, 2 से 3 दिनों की मोहलत मांगेंगे कोर्ट से, बड़ी खबर। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी वाराणसी की सिविल कोर्ट में, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी सिर्फ 50% रिपोर्ट तैयार हो पाई है, यह बयान है कोर्ट कमिश्नर का। 3 दिन सर्वे चली, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को, तो रिपोर्ट जो है हम लोगों की करीब 50% तैयार हो गई है और अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसीलिए रिपोर्ट जो है आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हाँ, माननीय न्यायालय में अप्लीकेशन दे करके समय लिया जाएगा जी। हम 2-3 दिन का समय, रिपोर्ट कोशिश की जा रही है कि समय पे सबमिट की कर दी जाए। रिपोर्ट तैयार हो गई है जी, एकदम तैयार है, उसको सबमिट करने के लिए कोशिश की जा रही है और अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक या ये होता है और विलंब होती है तो देखा जाएगा। ये भी बातें निकल के आ रही हैं कि आप लोग समय भी ले सकते हैं रिपोर्ट, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर गड़बड़ रहेगा, ज़्यादा मिस्टेक रहेंगे तो गलत रिपोर्ट तो सबमिट होगी नहीं, तो उसको ठीक करने में जो समय लगे उसके लिए समय लेके कोर्ट से माननीय न्यायालय से आदेश लेके उसको समय के अंतर्गत जो समय निर्धारित होगा उसके अंतर्गत दाखिल कर दिया जाएगा। अपनी तरफ से तो श्योर है, लेकिन अगर गलती ज़्यादा होगी तो देखा जाएगा। अभी हम लोगों ने रिपोर्ट बना ली है, मैंने अपनी रिपोर्ट बना ली है, हाँ लगभग तैयार है। प्रयास यही है कि यह रिपोर्ट सबमिट हो जाए, लेकिन हो सकता है किन्हीं कारणों से यह रिपोर्ट सबमिट नहीं भी हो सकती है, क्योंकि लगभग 10 घंटे की वीडियोग्राफी है और एक एक बिंदु को बहुत सूक्ष्मता से चिन्हित करना है, उसका उल्लेख करना है रिपोर्ट में, तो हो सकता है जो हमारे अधिवक्ता कमिश्नर हैं कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उन लोगों को थोड़ा समय लग जाए। हमारे जो अधिवक्ता आयुक्तगण हैं, चूँकि 10 घंटे की रिपोर्टिंग संकलित की गई है, उसका मिनट्स तय किया गया है, तो एक लंबी कवायद है जिसके नाते उसमें काफ़ी होमवर्क की आवश्यकता पड़ती है और वह पूरी तरह युक्त संगत रहे, इसी संदर्भ में हमारे मित्रों ने, अधिवक्ता आयुक्त ने, अजय कुमार जी इस पर विचार कर रहे थे, विनिमय कर रहे थे हम लोगों के बीच, और उनका एक राय भी आया था कि इसको थोड़ा सा समय माननीय न्यायालय से ले लेंगे, इस आशय पर माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देंगे, वो इंडेक्स होगा न्यायालय में और फिर माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आग्रह को करके समय लेंगे। तो ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट, कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की सर्वे रिपोर्ट के बारे में। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोपनीय रिपोर्ट है, कोर्ट में रिपोर्ट देंगे, सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट में अगर कोई मिस्टेक हो, कोई गलती होगी तो उसको रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे। शिवलिंग एरिया सील करने का मामला अलग है, ये कहना है विशाल सिंह का। हमारे संग मौजूद है एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह जी। अब जज साहब ने पूरी शक्ति इन लोग के हाथ में दे रखी, यही तय करेंगे कि क्या रिपोर्ट तैयार है। सर मुझे जरा एकदम अभी इस समय क्लियर करिए, क्या आज आप लोग रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर रहे हैं? ये कॉन्फिडेंशियल चीज है और हम लोग रिपोर्ट तैयार कर लिए हैं, ये माननीय न्यायालय का मामला है, माननीय न्यायालय में कहेंगे, ये पब्लिक में बताने वाली चीज नहीं है, ये चूंकि ये रिपोर्ट जो है गोपनीय रिपोर्ट है, माननीय न्यायालय में दाखिल की जाएगी। कहा जा रहा है कि अभी जो एडवोकेट कमिश्नर है, 3 कमिश्नर है, रिपोर्ट नहीं तैयार हो पा रही है, इस पे कुछ कह सकते हैं आप? लीगली आपने अपना स्टैंड रखना, ये कहना कि रिपोर्ट तैयार ही नहीं हुई है, इस पे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, रिपोर्ट तैयार हो रही है, तैयार कर रहे हैं, तैयार हो रही है, ऐसा नहीं है। कर रहे हैं, हो रही है, थोड़ा सा रही है, अब उसमें हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक होगी उसको रिवाइज करके ठीक करके उसको फाइल कर देंगे। अच्छा सर, मुझे कल आपने ये बताया था कि सबमिट करने से पहले तीनों जो कमिश्नर हैं वो साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, वो हो गया क्या? लगभग हो गया है, ये काम किया जा चुका है।
अच्छा, कल एक बात ये निकल के आई कि जो शिवलिंग निकलने की बात हुई तो उसके बाद एक पक्ष गया कोर्ट, कोर्ट ने संरक्षण का आदेश दे दिया, दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है, हमारा तो ओपिनियन ही नहीं रहा इसमें। क्या ये मामला आपके मामले से अलग लीगली चलेगा, कैसे चलेगा? नहीं, ये मामला अलग है, ये माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है, इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है। और ये माननीय न्यायालय को पूरा अधिकार है सेक्शन 151 CPC में कि अगर प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस के लिए अगर कोई चीज आ गई है, कोई पक्ष कहता है, तो माननीय न्यायालय कर सकती है। शिवलिंग मिलने वाले एरिया को संरक्षित करने का मामला, इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान आ गया है। वो कह रहे मुस्लिम पक्ष के दावे को मैं खारिज करता हूं, कोर्ट में जाने के बाद पता चलेगा रिपोर्ट पेश या नहीं। ये भी उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पेश हुई या नहीं तो कोर्ट में जाने के बाद उनको पता चलेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष के दावे को वो खारिज कर रहे हैं। ये जो हमें चीज़ें मिली हैं ये करीब 10:30 बजे मिली हैं और 1 बजे उनकी नमाज का वक्त होता है, तो बहुत ज़रूरी था कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ पे किसी भी तरह की बेअदबी ना हो सके, इसीलिए ये हमने एप्लीकेशन डाली थी। और एक अर्जेंट और इमरजेंट सिचुएशन थी जिसपे CPC में ऑर्डर 39 में व्यवस्था है। उन्होंने आपके दावे को खारिज किया, कहा फाउंटेन है वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल मैं उनके दावे को खारिज करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं मानता हूँ वो सही है और वो मंदिर था, वो मंदिर रहेगा। अच्छा, आज रिपोर्ट कोर्ट कमीशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बयान दिया उसको आप कैसे देखते हैं विष्णु जी? कोर्ट में अंदर जाके पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें कोर्ट में अंदर जाके पता। ये आपने विष्णु जैन का बयान सुना। और आपको बताएं, असदुद्दीन ओवैसी ने इस सारे प्रकरण पर जो बयान दिया था उस पर मोहसिन रजा का बयान आया है। वो कह रहे हैं राजनीतिक रोटी सेक रहे ओवैसी। मोहसिन रजा BJP के नेता, पिछली सरकार में मंत्री रहे, पिछली योगी सरकार में, वो कह रहे हैं राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने भ्रमित बयान दे रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए देश के अंदर एक माहौल खराब करने का प्रयास, लगातार उनके बयान डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कभी वो कहते हैं कि संविधान सम्मत होना चाहिए, कभी वो कोर्ट की अवहेलना करने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये मामला न्यायालय से इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है ना, न्यायालय में जब कोई मामला है तो असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या कोई दंगा कराना चाहते हैं देश के अंदर? इसके पीछे तो यही साजिश नजर आती है कि जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उससे साफ है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब ये आक्रांताओं का समय नहीं है, ये महात्माओं का समय आ चुका है। अब इस तरह की चीजें जो भी न्याय सम्मत होंगी होंगी और सरकार प्रतिबद्ध है कि माननीय न्यायालय के फैसले पर जो भी हमको निर्देश होगा हम उसका अनुपालन करेंगे और जो भी कानून के खिलाफ बात करेगा या कोई भी वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम करेगा कानून उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। मोहसिन रजा का बयान आपने देखा और अब आइए आपको बताते हैं कि ओवैसी ने क्या कहा था जिसके बाद सियासत की शुरुआत हुई। वजूखाने में शिवलिंग के दावे पर उठ गया सियासी तूफान। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। कोर्ट के फैसले से पहले ही ज्ञानवापी पर सियासी फसाद। किसी को भी उत्तर प्रदेश के अमन चैन को, लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की अनुमति हम नहीं देने वाले। ज्ञानवापी के वजूखाने से शिवलिंग मिलने का दावा हुआ तो यूपी से लेकर हैदराबाद तक सियासी भूचाल आ गया। बाबरी का दर्द दिल में लेकर बैठे ओवैसी ने पहले ट्वीट किया और फिर जुबां से सियासी हमला बोला। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। ज्ञानवापी को अब पूरी तरह से अयोध्या जैसा मुद्दा बनाने की सियासी तैयारी हो चुकी है। शिवलिंग का दावा सामने आने के बाद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। डिप्टी CM के बाद कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट किया, जिसका ना आदि है ना अंत है, भगवान शिव की महिमा अनंत है।
ज्ञानवापी अब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बचा, इसे धर्म की लड़ाई में बदल दिया गया है। भाजपा नेता वैसे भी ऐसे मुद्दों को लेकर ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। जो कि पूरा मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, अतिरिक्त रूप से कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उसका अनुपालन हम सुनिश्चित करेंगे और हर स्थिति में सभी को इसका पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि मैं अपने धर्म में भरोसा रखता हूँ और हमारा धर्म पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हम सब आगे बढ़े हैं, तो भगवान नंदी की तपस्या पूरी हो। ज्ञानवापी को सियासत का अखाड़ा बने ज्यादा दिन नहीं बीते, लेकिन खिलाड़ी एक से बढ़कर एक मैदान में आ गए हैं। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ओवैसी की तरह 1991 एक्ट की याद दिला रहा है। हम कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या जो भी इबादत की जगह हो, उसको जो है इस तरीके की सियासत में डालना ये अच्छे सेहतमंद मुल्क की निशानी नहीं है। सवाल उठाने वाले 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष पूछ रहा है अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो ये कहां तक सही है, और यही दलीलें दोनों तरफ के सियासी नेताओं के लिए हथियार बन गई हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वही वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले को देखेगी। और यहां पर आपको बताएं कि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के सर्वे पर रोक से इनकार के बाद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते हैं सारे प्रकरण से जुड़े हुए, आज जो सुनवाई होने जा रही है उससे जुड़े हुए। सर्वे के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा के बेंच में आज की सुनवाई होगी और याचिका लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमेटी। कोर्ट कमीशन के आदेश को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ बताया गया है। इस याचिका में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ था, इसी को आधार बनाते हुए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। क्या है ये एक्ट, ये कानून, ये जरूर आपको जानने में दिलचस्पी होगी, तो आपको बताते हैं कि कानून क्या है। ये पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए 1991 में ये कानून बना, नरसिम्हाराव सरकार के समय ये कानून बनाया गया। अलग अलग धर्मों के बीच टकराव को रोकना इस कानून का मकसद था। 15 अगस्त 1947 के बाद कहीं मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, 1947 के बाद अगर कहीं मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी। अयोध्या विवाद को इस कानून के तहत नहीं लाया गया, उसको एग्जम्प्ट किया गया, क्योंकि अयोध्या विवाद की सुनवाई उस वक्त भी कोर्ट में चल रही थी, लेकिन उस विवाद को इस कानून से अलग रखा गया, एग्जम्प्ट किया गया, एक्सेप्शन में डाला गया। बहरहाल ज्ञानवापी मामले में हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट में और हिंदू सेना को इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई। मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की भी मांग है इस अर्जी में। विष्णु गुप्ता अध्यक्ष है, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अर्जी डाली है और अपील की है इस कोर्ट से कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और हिंदू सेना ने भी हिंदुओं की ओर से वहाँ इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है और हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके ये कहा है एप्लीकेशन में कि जो वहाँ कार्रवाई चल रही है वो एकदम सही चल रही है, कोर्ट के आदेश पे काम चल रहा है और मस्जिद कमेटी काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है। इन मस्जिद कमेटी के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाए और 1991 पूजा अधिनियम कानून का कहीं से भी उल्लंघन नहीं होता है, वहां सब काम कानून के तहत कानून के दायरे में चल रहा है और यदि इनकी एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है, उनकी पटिशन स्वीकार की जाती है तो हमें भी पार्टी बनाया जाए, यही हमारी मांग है। तो ज्ञानवापी मामले पर शिवलिंग मामले के बाद पूरे देश में हिंदू समाज में खुशी का माहौल है, संत समाज भी खुशी मना रहा है। अयोध्या के तपस्वी छावनी में दीपक जलाकर दीपावली मनाई गई और मिठाइयां बांटी गई। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने घी के दीपक जलाकर खुशी मनाई और जाहिर की। देखिए आप तस्वीरें। लगभग 350 वर्ष एक लंबे काल में जो है संघर्ष करने के बाद
आज जो है बहुसंख्यक समाज को एक बहुत बड़ा न्याय मिला है कि माननीय कोर्ट के आदेश पर जो ज्ञान बापी की वीडियोग्राफी की जा रही थी, तो वीडियोग्राफी के दौरान में दिव्य ज्योतिर्लिंग की प्राप्ति हुई है, जो वास्तव में जो बड़े नंदी हैं, जिधर बड़े नंदी का मुख है, जहां काशी विश्वनाथ थे, जिसको औरंगजेब ने उस समय जब मंदिर तोड़ रहा था उस समय उसने छिपा दिया था, उसी के मलबे से तोड़ करके जो है ज्ञान बापी मस्जिद बनाया था। आज जो है सच सामने आ गया है। अगली बड़ी खबर बरेली से है। ज्ञान बापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का मामला है और इसके बाद मौलाना तौकीर रजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 2 बजे आला हजरत स्थित अपने आवास पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ और विवादित बयानों की वजह से चर्चा बटोरते रहे हैं, सुर्खियां बटोरते रहे हैं। आज कल के प्रकरण के बाद दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मथुरा से है। हिंदू पक्ष के वकील ने दिया है एक और प्रार्थना पत्र। जी हां, वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां एक प्रार्थना पत्र दिया है और इस पत्र में मस्जिद की प्रतिबंधित जगह पर उचित सुरक्षा देने की मांग की गई है। शाही ईदगाह यानी कि मूल गर्भगृह का दावा जो है उसको सील करने की मांग है। परिसर के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए, ये वकील साहब कह रहे हैं। उन्हें यह निर्देशित किया जाए कि उक्त संपत्ति में बने प्राचीन हिंदू धार्मिक चिन्हों और कलाकृतियों को नष्ट न करें। कुछ ही समय में अदालत में सुनवाई होगी उनकी इस एप्लीकेशन पर। अनिल सारस्वत जुड़ गए हैं मथुरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनिल, क्या कहा गया है और इस प्रार्थना पत्र में थोड़ा और स्पष्ट करें। जी, मैं आपको बता दूं, ये वादी हैं महेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि जो साक्ष्य इन्होंने जो लगाए हैं, इसमें जो चिन्ह बने हुए हैं, जो इनका कहना है, इनके कहने के मुताबिक शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर जो चिन्ह बने हुए हैं, शंख बने हुए हैं, कमल के चिन्ह निशान बने हुए हैं, उन्हें ना मिटा दिया जाए। इसलिए वहां पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाए, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और अगर उन्होंने ये भी मांग की है कि हो सकता है अगर इसको पॉसिबल हो तो इसको सील भी किया जाए। जी जी, तो ये जानकारी उन्हें कैसे प्राप्त है? क्या कोर्ट के पास कोई इस प्रकार का एविडेंस पहले से है कि वहां पर दीवारों पर इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं या इस प्रकार के साक्ष्य हैं जिनका दावा वकील साहब कर रहे हैं? इस बात का हवाला उन्होंने ज्ञान बापी मस्जिद में जो साक्ष्य मिले हैं उसको देके यहाँ पे हवाला दिया है कि जिस तरह से वहाँ पे भी ये साक्ष्य मिले हैं, अगर हो सकता है कि शाही ईदगाह मस्जिद में मथुरा में भी इस तरह के कुछ साक्ष्य हों तो उनको मिटाया ना जाए, वो एडिट रहे और उसका जब यहाँ पे कमीशन की भी मांग की गई है तो जब कमीशन बने वहाँ पे जाके फोटोग्राफी हो, उसकी वीडियोग्राफी हो, तो वो सच सामने आ सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बहुत शुक्रिया आपका अनिल। तो ज्ञान बापी प्रकरण को आधार बनाते हुए एप्लीकेशन दाखिल की गई है और कुछ ही देर में सुनवाई होगी। इसमें सील करने की मांग की गई है शाही ईदगाह, जिसे मूल गर्भगृह बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। अब बागपत में पथराव और गाली गलौज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दबंग पीड़ित पक्ष का गेट तोड़ते नजर आ रहे हैं। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि पीड़ित पक्ष की शिकायत है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। केकड़ा थाना इलाके के पट्टी चक्रसेनपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। पथराव और गाली गलौज का वीडियो ये देखिए आप, यही वायरल हो रहा है। बागपत का वीडियो, दबंगों ने पीड़ित पक्ष का गेट तोड़ा है ऐसा आरोप है और इस हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।